कि मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत के सामने। एसटीएफ उत्तराखंड ने देहरादून में दो गाड़ियां पकड़ी हैं। गाड़ियों में लॉरेंस गैंग के बदमाश थे, लॉरेंस बिश्नोई, जिसने कि कहा था कि इस हत्या में उसका हाथ है। ये गाड़ी दोनों पंजाब नंबर की, पहली गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि ऊपर बैगेज में सामान भी बंधा हुआ है। ये गाड़ी एसटीएफ उत्तराखंड ने देहरादून से पकड़ी है और ऐसी दो गाड़ियां हैं जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग मौजूद थे, ये सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, क्या जानकारी फिलहाल दोनों गाड़ियों के सामने? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई के, ये पहली बार नहीं है कि ये घटना पहली बार हुई हो कि उत्तराखंड में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्दे पकड़े गए हों। ये जो अभी तक हमारे सूत्र बताते हैं वो ये वही गाड़ियां हैं जो पंजाब की तरफ से आ रही थी और उत्तराखंड के बॉर्डर से पकड़ी गई हैं। और जो हमारे मजबूत सोर्स बताते हैं कि एसटीएफ ने ये पूरी कार्रवाई की है और इन गाड़ियों को पकड़ा है और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और तलाशी ली जा रही है और उनके फोन की सर्चेस और लोकेशंस वगैरह निकाले जा रहे हैं, किस किस टावर से लोकेशंस से घूम के आए हैं और बीटीएस डाटा का कलेक्शन चल रहा है इस समय। और शाम तक कुछ इस बात का खुलासा हो पाएगा कि ये जो पकड़े गए अपराधी कौन है, कहां से आ रहे हैं, इनकी सर्विलांस पे लोकेशंस पूरी ट्रेस की जा रही है, गाड़ियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, ये गाड़ियां जो नंबर हैं ये कहां के हैं, ये ओरिजिनल गाड़ियां हैं या चोरी की गाड़ियां हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अभी पुलिस। अभिषेक, कितने लोग सवार थे इन दोनों गाड़ियों में, क्या इस बारे में कोई इनपुट सामने है? हमारे पुलिसिय सोर्स हैं वो सीधे रूप से बता रहे हैं कि ये एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई और हो सकता है कि एक देश की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से हो उस देर में। अभिषेक, कितने लोग सवार थे इन दोनों गाड़ियों में, क्या इस बारे में जानकारी फिलहाल? देखिए, अभी पुलिस से मैंने जो हम लोगों को सोर्सेज ने ये जो खबर दी है और हम लोगों के पास जो वीडियोज आए उससे तो ये लगता है कि कुछ पुलिस को बड़ा कुछ मिल गया है। जो अंदेशा जताया जा रहा है वो यही जताया जा रहा है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, ये अभी इसमें खुलासा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक सिन्हा आपका जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। टाइम्स नाउ भारत लगातार बना हुआ है, एक एक